नमस्कार साथियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंकपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो बैंकपुर बाय एग्जामपुर हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति तो फटाफट शुरू हो जाइए शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि 11 बजे की आपकी बेस्ट 200 प्लस करेंट अफेयर सिक्स मंथ करेंट अफेयर की क्लास शुरू हो चुकी है आपकी लास्ट की सिक्स मंथ की करेंट अफेयर की क्लास मैं लेकर के ग्यारह बजे आ रहा हूँ रोज़ सुबह सात बजे मैंने रोज का रीसेंट करेंट अफेयर डेली करेंट अफेयर शो भी शुरू कर दिया है यानी कंप्लीट जीए आपको इस चैनल पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं यानी आपके पीयूष रघुवंशी सर दिन में तीन बार एक बार शाम को चार बजे कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें मैं आ, आज बैंकिंग लोकपाल के अपडेशन के बारे में बताने वाला हूँ बैंकिंग लोकपाल के बारे में बताने वाला हूँ बेस्ट टू प्लस सिक्स मंथ करेंट अफेयर रोज ग्यारह बजे आ रहा है और उसके बाद आपका डेली करंट अफेयर्स में जरूर जुड़ना है सुबह का क्योंकि तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सुबह सात बजे वाले करंट अफेयर में जुड़ना और सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए चल रहे हैं ठीक है तो बिल्कुल नीति जी आप लोग यहां आ जाइए अंकित जी सभी लोग आ जाइए यहां पर ठीक है और इसे शेयर करिए ताकि और भी लोग आते चले जैसे ध्रुव त्रिवेदी आ गए सभी लोग आते चले जाए दोस्तों हमारे जितने भी चैंपियंस हैं वो सभी इस शो में आ जाए बरकरार हो जाए लगातार हो जाए शानदार हो जाए तो इसके लिए क्या करना होगा शेयर कर दीजिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन सबसे पहला क्वेश्चन अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 दिन एग्जामिनेशन का हम लोग लेके चल रहे हैं अब बीच में मैराथन भी खेलेंगे लेकिन इस 10 दिन में रोज 20 20 क्वेश्चन रोज सुबह सात बजे 20 क्वेश्चन करा रहा हूं रोज ग्यारह बजे 20 क्वेश्चन इस तरीके से एक एक घंटे में हम लोग 20 20 क्वेश्चन करते चलेंगे और 10 दिन में बेस्ट 200 हंड्रेड कवर करके हम लोग अपने सिक्स मंथ के यानी यहां सारे करंट अफेयर नहीं जो अपने अनुभव के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वही कवर किए जा रहे हैं पहला क्वेश्चन उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे आधुनिक इराकी वास्तुकला यानी इराकी आर्किटेक्चर के पिता यानी जनक के रूप में जाना जाता है जिसे इराक की कुछ सबसे मूल्यवान संरचनाओं और प्रतिष्ठित स्वतंत्रता स्मारक को डिज़ाइन करने का भी श्रेय दिया गया है कोविड नाइन्टीन के कारण उनका निधन हो गया कोविड नाइन्टीन का निधन हो गया वहाँ पे जो स्क्वायर है जहाँ पे चौराहे पे जो आंदोलन होते हैं क्रांतियाँ होती वो भी इन्होंने डिज़ाइन किए थे इराक के बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने डिज़ाइन की और इनका निधन हो गया फ्रीडम मॉन्यूमेंट का नाम भी अब उनके नाम पे रख दिया जाएगा जिनको उन्होंने ही बनाया था जो इराकी विरोध प्रदर्शन का एक केंद्र बन चुका है तो बिल्कुल यहां पर आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि कोरोना की वजह से निधन हुआ है और आंसर होगा रिफत चिदर्जी क्या आंसर होगा रिफत चिदर्जी आंसर होगा दोस्तों रिफत चिदर्जी आंसर होगा ठीक है तो यहां पर आंसर भी देख लेते हैं कंप्यूटर जी क्या बता रहे हैं तो बिल्कुल कंप्यूटर जी जो है हमारा यही बता रहे हां अब आपको सब सही से दिखेगा है ना अब सही चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हैंग हो गया क्या आगे नहीं जा रहा हम्म? ये आगे नेक्स्ट uh, स्लाइड चलिए दोस्तों कोई बात नहीं लेट नहीं हुआ है अभी भी तो बिल्कुल कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी लेकिन अब हम लोग फिर से यहां पर यहां पे हम लोग ने आंसर देख लिया था ना रिफत चिदर्जी आंसर था है ना चलिए देखिए क्या आंसर है रिफत चिदर्जी आंसर है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं कलूपुर गुजरात डॉट 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 रेलवे स्टेशन वॉक थ्रू मास्क सैनिटाइजिंग टनल यानी सुरंग स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया अच्छा कलूपुर गुजरात में है वो स्टेशन गुजरात राज्य का नाम है कलूपुर इस एरिया का नाम है ना और वो रेलवे स्टेशन है जो वहां से जो भी गुजरेगा उसको वो टनल से होकर गुजरना पड़ेगा वो सैनिटाइज हो जाएगा और कोरोना से मुक्त हो जाएगा ठीक है अच्छा ठीक है आज करवा देते हैं सबका पीडीएफ करवा देते हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो बिल्कुल आप लोग के यहां राइट आंसर आ रहे हैं ध्रुव त्रिवेदी और सभी लोगों के तो भाई ये केवल चुनिंदा करंट अफेयर है जो आपके एग्जामिनेशन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है जिनकी तो बिल्कुल यहां पर अगर देखा जाए तो आ, आ, क्या आंसर बनने वाला है और ये रहा आपके सामने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तो गुजरात में कल्लूपुर एरिया में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है जहां पे ये टनल स्थापित किया गया ये भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया और जब पहला बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है चलिए फटाफट लोगों को जोड़ते भी चलिए साथ साथ सबको बताते चलिए जो लोग पहली बार आ जाए हैं पीयूष सर को खोजते हुए वो लोग ज़रूर से ज़रूर क्या कर लेंगे अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे सभी टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में अपने वॉल पे तो जरूर डाल देंगे ताकि पता चल जाए पियूष सर भाई यहां आ चुके हैं ठीक है, है? चलिए सब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में शुरू किए गए ट्विटर अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक का चेहरा बनाया गया डिजिटल अभियान में यानी कि डिजिटल पेमेंट करिए चाहे गूगल पे करिए फोन पे करिए आईएमपीएस करिए यूपीआई करिए एनईएफटी करिए या आरटीजीएस करिए आरबीआई बहुत परेशान है आजकल आरबीआई आजकल दोस्तों बहुत परेशान है उसने डिजिटल पेमेंट कमेटी भी बनाई थी नंदन नीलेकड़ी साहब की अध्यक्षता में जो कभी इन्फोसिस की शोभा बढ़ा रहे थे कभी आधार के यू डी ए आई की हेड हुआ करते थे नंदन नीलेकड़ी साहब इनके सुपरविजन में चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई अब बोला गया कि भाई भारत में कैसे लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर प्रेरित किया जाए तो बात हुआ कि जड़ पे काम किया जाए यानी जो पीओएस टर्मिनल मशीन आता है विदेश से उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दीजिए पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल जिस पे आप उस मशीन पे कार्ड स्वैप करते हैं उसका भी फुल फॉर्म आता है पॉइंट ऑफ सेल नंदन दिलकड़ी साहब ने कहा एन एफ टी को फ्री कर दीजिए फ्री हो गया एन एफ टी को ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कर दीजिए चौबीसों घंटे सातों दिन कर दीजिए केवल बैंकिंग टाइम पे नहीं हर दिन काम करे तो अब एस मोड पे हो गया स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग आईबीपीएस में पूछा था कि एनएफटी एफ टी किस मोड पर काम करता है एन ई एफ टी किस मोड पर काम करता है स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड पर काम करता है क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो बिल्कुल यहां पर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल अभियान के ट्विटर के फेस बने हैं अमिताभ बच्चन यानी कि सदी के महानायक बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का और बिल्कुल देखिए यहां पे आंसर मैच होता हुआ बिल्कुल शानदार जबरदस्त अगला क्वेश्चन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां ग्राहक डिजिटल रूप से सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट वहीं पे यस हो जा रहा है के क्या क्या ठीक है तो से बचत खाता और सावधि जमा खाता किसी भी समय कहीं भी खोल सकते हैं फटाफट आपको बताना है कौन सा है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो प्लेटफॉर्म वो डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ना है बस आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि भाई पीयूष सर यहाँ पे बेस्ट 200 प्लस पढ़ा रहे ये काम आप ही लोग को करना है मेरे लिए बस इतना याद रखना दोस्तों ठीक है तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बता रहे हैं सब लोग बेंगलुरु में वेरी गुड और यहां पर आंसर क्या बनने वाला है दोस्तों तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनेगा डीजी जेन डीजी जेन यहां पर आंसर बनेगा बिल्कुल सही जवाब है डीजी जेन चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कम दृष्टि या अंधेपन के यानी कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहा जाए एंड्रॉयड यूजर्स के लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च करने की घोषणा की है यह नया कीबोर्ड जो ब्रेल वर्जन पर होगा ब्रेल लिपि में लिखा होगा इन लोगों को बिना अतिरिक्त हार्डवेयर के अपने फोन पर टाइप करने में सक्षम कर देगा भाई यह टेक्नोलॉजी लेके कौन आ रहा है और अंधे लोगों के लिए यानी दृष्टि बाधित लोगों के लिए दिव्यांग लोगों के लिए विजुअली इंपेयर लोगों के लिए आर भी एक ऐप लेके आया था दोस्तों ये भी याद रखिएगा क्योंकि मैं जो लिख के लाता हूं वो तो आता है जो मैं मुंह से बताता हूं वो डेफिनेटली आता है तो केवल पीडीएफ से काम नहीं चलेगा आपको पता है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जाननी जरूरी है तो इसलिए जो मैं बताता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए तो रर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था दोस्तों मनी ऐप लॉन्च किया था मनी मनी जैसे कि नाग के ऊपर मणि होती है वो पूरा रोशनी से दिप्तमान कर देता है पूरे माहौल को वैसे ये मणि ऐप आ जाएगा उन लोगों की रोशनी बन जाएगा मणि यहाँ मनी नहीं है मनी होता तो एम ओ एन ई वाई होता ये मणि है जो नोटों की पहचान करेगा नोटों की पहचान करेगा कि कितने रुपए का नोट है असली है कि नकली है उन लोग जो देख नहीं पाते उनके लिए ये बहुत अच्छा आर ने ऐप डिजाइन करवाया था डेबोडील कंपनी से ठीक है मनी का फुल फॉर्म फटाफट आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और यहां पे लोटस शर्मा हरजिंदर सिंह और सभी लोग ध्रुव त्रिवेदी अंकित सभी ने मनी का फुल फॉर्म भी लिख दिया मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो बिल्कुल अब यहां पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल आंसर आ गया आपका गूगल गूगल ने इसे लॉन्च किया है बिल्कुल बहुत अच्छा ब्रेल वर्जन में कीबोर्ड लॉन्च कर दिया है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुं? जैक डोरसी ने वैश्विक कोविड नाइन्टीन महामारी कोविड 19 एक बीमारी का नाम है वायरस का नहीं वायरस का नाम जो है वो एस ए आर एस एन टू है कोविड 19 कोरोना वायरस डिजीज डिजीज यानी ये बीमारी का नाम है दोस्तों इसमें कंफ्यूजन होता है याद रखिएगा ठीक है मुकाबला करने के लिए काम करने वाले योद्धाओं को चैरिटी के रूप में एक बिलियन डॉलर दान करने का वचन दिया है वह किस कंपनी के सीईओ है तो भाई जैक डोर्सी ने यह स्टेप लिया है रही है क्यों आवाज आ रही है रजनीश लास्ट क्वेश्चन से ही नो साउंड है अच्छा तो भाई जैक डोरसी किस कंपनी के हेड हैं जैक डोरसी किस कंपनी के हेड हैं जैक डोर्सी ट्विटर के हेड है किसके हेड है ट्विटर के हेड है उसके बाद जन औषधि केंद्र जहां सस्ती दवाएं मिलती हैं सरकारी रेट पर वो जेनरिक दवाओं के जो दुकान पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जन औषधि सुगा मैप भी बनाया गया है गरीब लोगों को दवाएं प्रोवाइड कराने के लिए आपके नज़दीकी वो दवा के केंद्र पता चल जाते हैं उसी जन औषधि योजना के तहत अब उनको मरीजों और बुज़ुर्गों के लिए कोरोना में घर पे सप्लाई दी जा रही ताकि वो घर से ना निकलें तो ये फार्म जो दवा की दुकान वाले हैं फार्मासिस्ट हैं ये लोग जा रहे हैं उनको घर पे दे रहे हैं इनको किस नाम से पुकारा जा रहा है बस आपको ये बताना है किस नाम से पुकारा जा रहा है आवाज आ रही है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो इनको किस नाम से पुकारा जाएगा दोस्तों इनको पुकारा जा रहा है स्वास्थ्य के सिपाही किस नाम से पुकारा जाएगा स्वास्थ्य के सिपाही के नाम से पुकारा जाएगा अभी आवाज आ रही है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं उस वित्त कंपनी का नाम बताइए जिसने 75 मिलियन डॉलर यानी पचहत्तर मिलियन डॉलर के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन कंपनी जीका के साथ साझेदारी की है अच्छा ये कंपनी यार बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आगे आ रही है जबकि एक सरकारी बैंक की वो सहयोगी संस्था है लेकिन बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रही है जिसकी वजह से बहुत सारे देश के कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस समय तो भाई जीका ने भी यहां पे साझेदारी की है और इसका नाम क्या है दोस्तों तो इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फिनेंस पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फिनेंस बहुत लंबी कहानी है कमलेश जी कभी बताएंगे आपको इतने नाम से बहुत लंबी कहानी है आप ही के मेंस से जुड़ी हुई कहानी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फीफा ने अभी एग्जाम दे लो फिर इस पे डिस्कस करेंगे फीफा ने कोरोना वायरस महामारी के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला किया है वह किस देश में खेला जाने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा फीफा ने कोरोना वायरस महामारी के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला किया वह किस देश में खेला जाने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि महिला विश्व कप फीफा मतलब फुटबॉल वाला वो भी अंडर सेवेंटीन ये कहां खेला जाने वाला था दोस्तों तो ये खेला जाने वाला था भारत में कहां खेला जाने वाला था <coughs> भारत में खेला जाने वाला था बहुत बढ़िया शानदार इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है तो भाई धीरे धीरे हम लोग अपने बेस्ट 200 प्लस सीरीज में 10 दिन में पूरा का पूरा सिक्स मंथ करेंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे रोज 20 20 करते हुए 10 दिन में 200 कंप्लीट ठीक है और मेंस वाला पेरू में बिल्कुल लोटस बहुत बढ़िया या शानदार जबरदस्त चलो आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स की रेंज देने के लिए पैकेज फ्रूट कंपनी ब्रिटेनिया इंडस्ट्री के साथ भागीदारी की है ब्रिटेनिया के साथ साझेदारी की है क्योंकि भाई कोरोना में सर्विसेज़ बंद थी एसेंशियल सर्विसेज़ दी जा सकती थी तो उसने क्या कर लिया ब्रिटेनिया के प्रोडक्ट्स जो है पहुंचाने के लिए टाइप कर लिया तो बिल्कुल उसका नाम क्या है डूंजो क्या है कंपनी का नाम डूनजो ठीक है डुन्जो नाम है क्लियर वेरी गुड वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं द टेन्योर ऑफ डॉट 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 एज द इनकम्बेंट चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल मतलब होता है स्पेशल कोर्ट जो टेलीकॉम के डिस्प्यूट ही सुन रहा है इनके जो हेड थे उनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है तीन महीने के लिए तो भाई ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये इंपॉर्टेंट बनता चला जाएगा बिल्कुल कौशल जी आप लोग बताते रहिए हर चीज पे क्लास ले लेंगे एक हेडक्वार्टर पे भी स्टैटिक जीके की क्लास ले ली जाएगी ठीक है तो बिल्कुल यहां पर आंसर क्या होगा यहां पर आंसर क्या होगा जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह क्या आंसर होगा जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो रहा है जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त नेक्स्ट उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसे पशु अधिकारों की रक्षा के लिए पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया हीरो टू एनिमल अवार्ड लॉकडाउन में लोग इंसानों की फिक्र कर रहे थे ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जानवरों के लिए फिक्र कर रहे थे कि उनको चारा कौन देगा उनको भोजन कौन कराएगा सब लोग घरों में बंद हो जाएगा उनके लिए उन्होंने अलग से फंड अपने सरकारी खजाने में से जारी किया तो भाई इनका नाम आप लोग को बताना है तो बिल्कुल यहां पे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे किया गया है नवीन पटनायक जी को किया गया किसे किया गया है नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को किया गया क्लियर है बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त चलिए आगे चलते हूं तो बिल्कुल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और मो नाम से जितनी भी योजनाएं चलाते हैं वो यहीं पे चलती है मधु ऐप है मधुसूदन शर्मा उत्कल गौरव जो उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट थे उनके नाम से ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऐप भी चलता है उड़ीसा की सरकार ही चलाती है जहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो कि शेयर मार्केट को पूंजी बाजार को कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी लेकिन इस समय वर्तमान प्रमुख हैं अजय त्यागी सेबी की बात हो रही है बड़ी संस्था है उसके पूर्णकालीन सदस्य का नाम बताना है जिनका कार्यकाल भारत सरकार द्वारा छह महीने तक बढ़ाया गया है छह महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है भारत सरकार द्वारा और ये सेबी यह सेबी की पहली महिला पूर्णकालीन सदस्य भी हैं, यह सेबी की पहली महिला पूर्णकालीन सदस्य भी हैं फटाफट बताइए बिल्कुल यहां पे सब लोग लोटस नेहा ऐश्वर्या संदीप कीर्ति ध्रुव नेहा विजय ज्योति अवंतिका सब लोग यहाँ पे ख़तरनाक तरीके से आंसर दे रहे हैं भाई लाइक करते चलिए शेयर करिएगा ज़रूर इसे लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दो हर जगह जितने भी जगह तुम्हारी रीच है क्योंकि तुम्हें पीयूष सर को अपने हर जगह पता पहुंचाना है और बताना है कि पीयूष सर भाई यहां पर आपके मेंस की तैयारी करा रहे हैं और डेली सात बजे करंट अफेयर में भी जुड़ना है आपको सबेरे और चार बजे आपको दोस्तों शाम को बैंकिंग के कॉन्सेप्ट क्लास में भी जुड़ना तो कंप्लीट यहां पर आपको तैयारी कराई जा रही है अभी का करंट अफेयर सिक्स मंथ का करंट अफेयर ग्यारह बजे और चार बजे बैंकिंग कॉन्सेप्ट सात चार ग्यारह याद रखना है सात चार ग्यारह सात बजे चार बजे ग्यारह बजे सात बजे चार बजे ग्यारह बजे तो बिल्कुल ये ग्यारह बजे वाली क्लास में आप लोग हाजिर हैं अब सात बजे वाली क्लास में आपको आना है तो बिल्कुल आपने सही बोला मधाबी पुरी जी को यहां पे एक्सटेंशन मिल गया है ये भारत से भी की पहली महिला होल टाइम मेंबर है पूर्णकालीन सदस्य नेक्स्ट उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके तहत भारतीय वायुसेना ने कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में परिवहन विमान श्री वन थर्टी जे हरक्यूलिस के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की सुविधा प्रदान की कोरोना में एक देश दूसरे देश के मित्र देशों की मदद कर रहे थे भारत भी अपने आस पड़ोस के जितने देश थे उनकी मदद कर रहा था अलग अलग ऑपरेशन चला रहा था मालदीव को उन्होंने चिकित्सा की सारी सामग्री हरक्यूलिस से भेजी और इस ऑपरेशन का नाम आप लोग को बताया जाए इसके पहले आपको मैं दो होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको कमेंट में बताना है और उन लोगों के नाम मैं कल बताऊंगा भी ठीक है तो आपको बताना है कि हिंद महासागर में पांच देशों में जरूरी चीज़ें भारत सरकार द्वारा भेजी गई थी उन पांच देशों के नाम और उस ऑपरेशन का नाम ठीक है ये हो गया पहला होमवर्क दूसरा होमवर्क करीब करीब बारह देशों से लोगों को इवेक्युएट करके भारत लाया गया था कोरोना के समय में उस ऑपरेशन का नाम वायुसेना वाले ऑपरेशन का नाम और नेवी वाले ऑपरेशन का नाम ये दूसरा होमवर्क हो गया अब आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपका है ऑपरेशन संजीवनी तो आपको मैंने होमवर्क क्या दिया है एक बार आप लोग ध्यान से समझ लेना और जो भी जवाब देगा बिल्कुल सही जवाब उसका नाम कल के सेशन में बिल्कुल उनके कमेंट के साथ लिया जाएगा बैंकिंग की क्लास हो चुकी है आप एक बार वीडियोस में चले जाना बैंकपुर के बैंकपुर के वीडियोस में चले जाना और बैंकिंग की क्लास एक कोऑपरेटिव बैंक की हो चुकी है एक स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक की हो चुकी है और चार बजे से आज से स्टार्ट है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कोविड नाइन्टीन से संबंधित संगठनों के साथ अलग अलग एनजीओ अलग अलग सरकारी विभाग अलग अलग प्राइवेट विभाग सब लगे हुए हैं इंटरनेशनल संगठन तक लगी हुई हैं इनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित सशक्त समूह का प्रमुख कौन होगा तो भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है भारत सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है दोस्तों नीति आयोग है बहुत बढ़िया निहान मालदीव माले रुपया मालदीव माले रुपया ठीक है वेरी गुड तो यहां पे लिंक दे दिया जाएगा पीडीएफ एग्जामपुर ऐप पे मिलता है कौशल एग्जामपुर ऐप पर आपको पीडीएफ मिलता है ओके चलिए तो भारत सरकार द्वारा गठित सशक्त समूह का प्रमुख कौन होगा नीति आयोग के नीति आयोग के अमिताभ कांत जी ठीक है नीति आयोग के अमिताभ कांत जी ओह तो फिर अमिताभ कांत ऐसे आंसर करोगे तुम लोग तो ये अमिताभ कांत यहां पर राइट आंसर होंगे ठीक है ठीक है अभी जो लोन कोरोना की वजह से जो लोन सेक्टर कई प्रभावित हुए हैं उनके लोन भी बैड लोन से बदल रहे हैं एन पी ए में बदल रहे हैं किसके लिए क्या नियम होना चाहिए उसके लिए एक कमेटी बनाई गई वो जो ब्रिक्स बैंक के हेड हुआ करते थे जो आईसीसी बैंक के हेड हुआ करते थे के वी कामत साहब की अध्यक्षता में बनाई गई तो के वी कामत साहब ने वो एम को कैसे लोन रिजोल्यूशन करना है कोरोना के फेज़ में उस पर कमेटी का हेलो अब बताओ तुम लोग को आवाज़ आ रही है देखिए नेहा चौहान ने यहाँ बता दिया उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं गवर्नर हैं गणेशी लाल नेशनल पार्क है भीतर कणिका सिमलीपाल नंदन कांजा जूलॉजिकल नेशनल पार्क बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो बताइए यहाँ पे आवाज़ सही है बल रिया ने कह दिया नाउ ओके नाउ ओके चलिए बहुत बढ़िया यूनिसेफ का हेडकोार्टर न्यूयॉर्क में है नेहा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर अभी भी हिचकी आ रहा है अभी तो सही हो गया होगा कहो तो मैं धीरे धीरे बोलूं, है ना तो भाई मो नाम से जितनी भी योजनाएं हैं वो कहाँ की हैं उड़ीसा की ही हैं तो बिल्कुल आप लोग का सही गेस है भाई आप लोग के गेसिंग पे मैं अब कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि आप लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं मो वाले तो आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर चुके हैं दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दक्षिण अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट वायरोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो वायरल बीमारियों के ऊपर रिसर्च करते हैं जो वायरसों के ऊपर रिसर्च करते हैं उस साइंटिस्टों को वायरोलॉजिस्ट कहते हैं उनका हाल ही में निधन हो गया वो भी एक वायरस से निधन हो गया कोरोना वायरस से निधन हो गया तो उनका निधन हो गया एक वायरस से एक कोरोना वायरस से निधन हो गया तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का और वो क्यों भाई दक्षिण अफ्रीका के हैं हम लोग क्यों याद करें क्योंकि भारतीय मूल के हैं तो भारतीय है मूल के हैं गीता राम जी इज द राइट आंसर गीता राम जी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गीता राम जी राइट आंसर हो जाएगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये सिक्स मंथ के करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट तीन रोबोट्स को तीन रोबोट्स को यहाँ पर शुभंकर बनाया गया है एशियन गेम का मस्कट बनाया गया है रोबोट्स को बनाया गया है एक का नाम है कांगकॉन्ग -कौं। दूसरे का नाम है लियान लियान तो तीसरे का नाम क्या होगा ये तो पजल भी हो गया एक का नाम कांगक -कौं है एक का नाम लियान लियान है तो तीसरे का नाम क्या होगा तो तीसरे का नाम होगा दोस्तों चेन चेन क्या नाम होगा चेन चेन नाम होगा बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त तो ये भी बहुत ही बढ़ चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन और लेते हैं एशियन गेम्स जो है ये कहाँ होने वाला है नाइनटीन्थ एशियन गेम कहाँ होने वाला है और नाम से ही कहीं ना कहीं तुम लोग गेस कर दोगे ये कहाँ होने वाला है ना शुभंकर के नाम से पता चल जाएगा क्यों चलिए तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है भाई इसे शेयर कर देना ज़रूर से ठीक है हाँ और बैंकपुर को सब्सक्राइब करवाओ सबसे सबसे बैंकपुर को सब्सक्राइब करवाओ सबको बताओ सारे टेलीग्राम में डिस्कशन करो कि बैंकपुर में सर पहुंच गए हैं एग्जामपुर बैंकपुर बाय एग्जामपुर में सर पहुंच गए हैं ठीक है हो जाएगी भाई जी रीजनिंग हो जाएगी जीए भी हो जाएगी किस राज्य सरकार ने लाभार्थियों को घर पर रहने और बाहर जाने से बचने के लिए दरवाजे पर पेंशन का वितरण यानी डोर स्टेप पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया बहुत अच्छा बुजुर्ग लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत है तो बुजुर्ग लोगों के लिए दरवाजे पर पेंशन का वितरण शुरू किया है तो किन्हों ने शुरू किया फटाफट बताइएगा तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर आएगा आंध्र प्रदेश क्या आंसर आएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर सिक्स मंथ के करंट अफेयर हैं आपके अप्रैल से लेकर के अभी तक का अप्रैल से लेकर के अभी तक के सारे करंट अफेयर इसमें कराए जाएंगे ठीक है क्लियर है तो आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी साहब इन्होंने इसे शुरू किया है बहुत बढ़िया डोमिनोज पिज्जा ने देखिए 20 क्वेश्चन हम लोग का वादा था और हम लोग ने 20 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट भी कर लिया है डोमिनोज पिज्जा ने किस कंपनी के साथ डोमिनोज एसेंशियल को लॉन्च किया है दोस्तों डोमिनोज एसेंशियल को लॉन्च किया है फटाफट बताइएगा अच्छा अब इस क्वेश्चन का आंसर के पहले याद आखिरी क्वेश्चन है आज का 20 क्वेश्चन हो गए सुबह सात बजे वाले में 20 क्वेश्चन मैं के के तो के करा करा रहा रहा हूं हूं डेली और ये 20 क्वेश्चन पिछले मंथ इस तरीके से आपको ये दोनों सेशन देखने बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो लास्ट सिक्स मंथ से आपके आधे क्वेश्चन आएंगे तो आधे क्वेश्चन आपके डेली करेंट अफेयर से आएंगे तो भाई दोनों को आपको पढ़ना है ठीक है आंध्र प्रदेश अमरावती वाई जगनमोहन रेड्डी विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं जगन्नाथ वास्ती योजना जगन्नाथ चेदोदू योजना निष्टम ने योजना और रायतू भरोसा योजना बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त चलिए बहुत अच्छा आप लोगों की तैयारी चल रही है ये देखने में बिल्कुल सामने दिख रहा है तो बिल्कुल डोमिनोज पिज्जा ने किस कंपनी के साथ डोमिनोज एसेंशियल लॉन्च किया है दोस्तों तो बिल्कुल यहां पर आंसर होगा बिग बास्केट बिग बास्केट के साथ बिग बास्केट के साथ नहीं हुआ है यहाँ पे आई के साथ हुआ है क्योंकि बिग बास्केट नहीं यहाँ पे सी ऑप्शन करिएगा यहाँ पे क्या करना है दोस्तों सी ऑप्शन कर लेना ठीक है तो सी ऑप्शन सही होगा आई टी सी आई भाई डोमिनोज वाले अपना पिज्ज़ा तो दे नहीं पा रहे थे कोरोना में तो आई वालों से टाइप कर लिया और घर घर पहुँचाने लगे ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब फटाफट आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फटाफट आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको बैंकिंग के कोई डाउट्स हैं तो बैंकिंग और इकोनॉमी का कोई भी डाउट है तो बैंकिंग का कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं ठीक है तो ये आज का सेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ अब यहाँ पे आप बैंकिंग का कोई भी डाउट अगर आपको कोई टर्मोलॉजी में कोई दिक्कत है आर के चैप्टर से मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर से फॉरेन ट्रेड के चैप्टर से एनपीए के चैप्टर से बेसल के चैप्टर से बैंकिंग लोकपाल से या आ, कहीं से भी आपको एनपीए में कोई दिक्कत कहीं से भी कोई दिक्कत अगर हो तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है तो फटाफट अपने क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए रोज़ क्लास होगी 11 बजे डेली क्लास होगी 200 प्लस करेंट अफेयर 10 दिन में जिसमें हम लोग 200 क्वेश्चन करेंगे और 10 दिन में हम लोग सिक्स मंथ के करेंट अफेयर इस बेस्ट 200 प्लस में कवर करेंगे और मॉर्निंग क्लास सुशील जी सात बजे होती है तो आज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डेली करेंट अफेयर कराया है उसे ज़रूर देखिएगा मोस्ट hmm. इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर कराया है उसे ज़रूर देखिएगा और ऐप पर क्लास जो होगी बिल्कुल वो क्लास होगी एक बजे से ढाई बजे तक और चार बजे लोटस में पढ़ाऊंगा बैंकिंग ऑम्बसमैन के बारे में बैंकिंग लोकपाल के बारे में एक बार एक बार थोड़ा बैंकपुर के वीडियोस में जा करके देख लो मैंने क्या क्या पढ़ाया है मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा है ना सारी चीजें अपकमिंग इवेंट में दिख जाएगी चार बजे अब मुलाकात होगी बैंकिंग लोकपाल वाले बैंकिंग की पाठशाला में बैंकिंग कॉन्सेप्ट की क्लास में ठीक है ठीक है रजनीश मिश्रा जी बिल्कुल बिल्कुल मिल मिलेगी पीडीएफ जो है मिल जाएगी जी ने सब पूछ लिया पूरा चैप्टर ही पूछ लिया सब मॉनिटरी पॉलिसी बेसेल बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट करेंट में क्या है देखो मॉनिटरी पॉलिसी का को कोई रेट नहीं होता बेसेल कोई रेट नहीं होता है ना बाकी रेपो रेट बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है इस समय फटाफट बाकी लोग यहां कमेंट करें और जाहिद की मदद करें फटाफट लोटस सर प्लीज डेली एक बेसिक टॉपिक पढ़ा दीजिए इंटरव्यू के लिए डेली जैसे एक दिन टाइप ऑफ बैंकिंग एनपीए बेसल सब हां बिल्कुल चार बजे वाली क्लास में यही करेंगे लोटस केपी यादव आपका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो अच्छी बात है ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप तैयारी कर लो ताकि ग्रेजुएशन होते होते आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए आरती गौतम जी बैंकिंग की क्लास चार बजे करेंट अफेयर सिक्स मंथ की ग्यारह बजे और इन दोनों और सात बजे सुबेरे डेली करंट अफेयर सात बजे वाला अभी जाके जरूर देख लेना सब लोग सब लोग चार बजे वाला जरूर देख लेना देखिए ध्रुव त्रिपाठी यहां बता रहे हैं कि रेपो चार परसेंट चल रहा है रिवर्स रेपो थ्री पॉइंट थ्री परसेंट चल रहा है ठीक है बैंक रेट फोर पॉइंट टू फाइव परसेंट चल रहा है और बैंक रेट जितना है यानी फोर पॉइंट टू फाइव परसेंट तो बिल्कुल लोटस शर्मा सभी लोग और सभी लोग सही बता रहे सभी लोग का रिवाइज भी हो गया इसी बहाने और आपको पता भी चल गया ठीक है क्लियर सब लोग अंकित ने भी बता दिया ध्रुव ने भी बता दिया लोटस ने बता दिया तुम लोग चैंपियन हो या मैं तो पहले ही कहता हूं तो भाई अब आपको बस इतना ही करना है कि सब्सक्राइब करना है और करवाना है अपने सभी दोस्तों से करवाइए घर वालों का भी कर दीजिए घर वालों के मम्मी के पापा का भाई का सबके मोबाइल उठाइए और सब्सक्राइब बैंकपुर करिए है ना क्योंकि हम लोग ने अभी शुरू किया है एग्जामपुर एस एस रेलवे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के लिए हिट है अब बैंकिंग का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है कि बैंकिंग को आगे लेके जाना है और एग्जामपुर जो हमेशा से आंदोलन करता रहा अभी दे को भी मैंने आप लोगों के लिए आंदोलन किया था एस क्लर्क के रिजल्ट के लिए जो मैं यहाँ पे फ्रीली कर सकता हूँ तो वो मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए हर तरीके से बैंकिंग क्लास हो करेंट अफेयर क्लास हो आपके लिए वैकेंसीज इंक्रीज कराने के लिए अगर स्टेप लेना हो तो एग्जामपुर हमेशा हर तरह से आपके साथ है तो बस आप भी साथ दीजिए इस परिवार का और इस परिवार से आप जुड़ गए हैं इस परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए बैंकपुर परिवार को आपको आगे बढ़ाना है जो प्यार आपने एग्जामपुर को दिया वही प्यार बैंकपुर को देना है ठीक है तो एक दिन देखिए यहाँ एक बैंकपुर में भी हम लोग एक क्रांति करेंगे और यहाँ पर भी सारे बच्चे जुड़ते चले जाएंगे ठीक है मगर सर बैंक रेट और एमएसएफ का डिफरेंस बता दें क्या फर्क होता है <coughs> तो हमेशा ये बात याद रखिए कि बैंक रेट क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन होता है बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि सेकंड हैंड सिक्योरिटीज को मार्गेज करके मिलता है एमएसएफ जो होता है वो ओवरनाइट लोन होता है एमएसएफ रेट जो होता है वो ओवरनाइट लोन होता है चौबीस घंटे का लोन होता है जो कभी सीआरआर या एस का रेशियो गड़बड़ होने पे आर से बैंक लोन लेते हैं तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत स्थाई सुविधा जो कोरोना वायरस में दो परसेंट ऑफ एनडीटीएल से बढ़ा के तीन परसेंट ऑफ एनडीटीएल कर दिया गया है। यानी कि एन मतलब पब्लिक डिपॉजिट कितना है आपके पास सौ करोड़ अगर है तो आप दो करोड़ ही एम के तहत लोन ले सकते थे लेकिन अभी बैंकों को ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की क्योंकि जनता को एम को देना है तो एम लोन की लिमिट भी बढ़ा दी गई है और तीन परसेंट कर दी गई है कि अब वो एनडीटीएल का तीन परसेंट तक एम में लोन ले सकता है ये कोरोना में चेंजेस हुआ है आपने MSF पे क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसका अपडेट भी आपको बता दिया स्टैंडिंग फैसिलिटी जो चौबीस घंटे का लोन होता है जाहिद अहमद मैं बिल्कुल चार बजे जो बैंकिंग की कॉन्सेप्ट की क्लास ले रहा हूं ना उसमें मैं पूरा समझाता चला जाऊंगा आपको पूरा समझाता चला जाऊंगा ठीक है तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसे शेयर करने के लिए और और ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा इसे फैलाइए थैंक यू सो मच धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर